द्वारका थी भाजपनी गौरव यात्रा शुरू करवामां आवी हती। जे गौरव यात्रा उपलेटा खाते आवी पहोंचता गुजरात गौरव यात्रा नुं स्वागत करवामां आव्युं हतुं। भाजप द्वारा गुजरात गौरव यात्रा नुं आयोजन करवामां आव्युं होय। आ भाजपनी गौरव यात्रा द्वारका थी शुरू थई छे। जे गौरव यात्रा उपलेटा खाते आवी पहोंची हती, ज्यां भरोसानी सरकार भाजप ने लईने यात्रा आवी पहोंचता स्वागत करवामां आव्युं हतुं। गौरव यात्रा छठा दिवसे उपलेटामां प्रवेश कर्यो होय, जेथी नागनाथ चौक खाते आवी पहोंचता गौरव यात्रानुं स्वागत करवामां आव्युं हतुं। आ गौरव यात्रामां केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र शेखावत, भरत बोखरा, गोधनभाई झड़फिया, जयंतीभाई कवाड़िया, मनसुखभाई खांचेरिया सहितना नेताओ गौरव यात्रामां जोड़ाया हता। उपलेटा शहर भाजप प्रमुख किरीटभाई पादरिया, तालुका भाजप प्रमुख रमणीक भाई लाडाणी, नगरपालिका प्रमुख मयूर भाई शिवाए गौरव यात्रा नो स्वागत कर्यो हतु। शहरना नागनाथ चौक थी शुरू थयेल गौरव यात्रा रेली शहरना मुख्य मार्गो पर फरी हती अने बापुना बाबला चौक खाते गौरव यात्रा आवी पहोंची हती। बापुना बाबला चौक खाते सभानु आयोजन करवामां आव्युं, जेमां गुजरातमां नरेन्द्र मोदीना नेतृत्वमां विकासना कार्यो करवामां आव्या छे। तेमना लेखाजोखा લોકો સામે આવે એટલે ગૌરવ યાત્રા યોજાઈ હતી। પાંચ વાર ભાજપ ગુજરાતમાં સરકાર બનાવી છે અને છઠ્ઠી વાર ભાજપ સરકાર બનાવે તે માટે ગામડે ગામડે ગૌરવ યાત્રા ફરી રહી છે। 14 સાલ નરેન્દ્ર મોદીજી કે ગુજરાતમાં મુખ્યમંત્રી નાતે ઓર 8 સાલ તક ભારત કે પ્રધાનમંત્રી નાતે ઓર 27 સાલ તક ભારતીય જનતા પાર્ટીને એક તરતાર જો ગુજરાતમાં શાસન કિયા। गुजरात का विकास हुआ, भारत में जिस तरह से परिवर्तन हुआ, भारत भारतीय और भारतीयता का सम्मान जिस तरह से पुनर्स्थापित हुआ है, उस गौरव का गान करने के लिए गुजरात में ये यात्रा आयोजित की जा रही है। हम जा कर के लोगों के बीच में अपने कामकाज का, अपने का, अपने उपलब्धियों का चर्चा करें, उनके सामने लेखा जोखा रखें और आने वाले समय में उनसे नए संकल्प करें, इस अपेक्षा के साथ में गुजरात में गौरव यात्रा का आयोजन हो रहा है। विपुल धमेजा, RN News, उपलेटा।